दस से 12 लाख लोग उत्तर प्रदेश में मरे हैं। हर गांव से 1,14,000 गांव हैं, अगर मजदूरों को मिला लें। कोई गांव ऐसा नहीं है 5 से 10 लोग ना मरे हों, जिसमें कोई ऐसा परिवार नहीं जिसका रिश्तेदार ना मरा हो, फूफा चाचा नाना कोई ना मरा हो। पूरा उन घरों में दिवाली नहीं मनेगी, 1 साल तक दिवाली नहीं मनती है। तो मैंने यही चर्चा की, यही लिखा है मैंने। अभी फिर एक वीडियो पोस्ट किया मैंने उस पर कि दीप अयोध्या का हर एक दीप, हर एक दिया, उन बुझे चिरागों के नाम, उनको श्रद्धांजलि, उन मृत आत्माओं को जो अभागे थे, जो असहाय थे, जिनका दोष नहीं था, उनके नाम। फापामऊ में जगड़ी हुई इतनी लाशें हैं जिनसे चुंडी खींची गई, और सारी नदियों के आसपास गड़ी हैं। देखिए सरजू में भी गड़ी हैं, नदी नदी के किनारे लाशें, गंगा में तैरी हैं। उन सभी लाशों की, उन सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए मैं एक एक दीपक को जो अयोध्या में जला उसको समर्पित करता हूं। मैं उन घरों के लिए भी समर्पित करता हूं जिन घरों में खाने का तेल नहीं है, जलाने की बात तो अलग है, भूखे मर रहे हैं। मैंने एक कहानी लिखी है एक ट्वीट में अपने, कि कुसुम कली नाम की एक लेडी है 80 साल की, वो घरों में भीख मांग के भोजन करती है, रेलवे स्टेशन भीख मांगती है, एक झोपड़ी में रहती है वो। जब आप आते हो ना आवास की बात, मैंने चित्र भी लगाया उसका, और मुझे बुंदेलखंड का जो जो लोकल एक्टिविस्ट है उन्होंने मुझे भेजी है वो कहानी, अपने पोर्टल पे भी लगाई है उन्होंने ये, कि अगर मैं बुंदेलखंड के हर गांव में दो दो चार कुसुम कली मिल जाएंगी जो भुखमरी की कगार पे भूखों मर रही है, जो इन स्पाइट ऑफ इनके क्लेम के हम खाद्यान्न फ्री दे रहे हैं, भूखों मर रहे हैं लोग, इनको मजा आ रहा है कि हम उत्सव मनाएं, इनको अच्छा लग रहा है कि हम लेजर शो करें, हाई टेक लेजर, हाई बजट हाई टेक लेजर शो, जो कहीं हिंदू धर्म में कहीं कोई प्रतीक नहीं है, राम के धर्म और नाम का प्रतीक नहीं है लेजर शो। आप जो दिए जला रहे हैं, आप मुझे इतने लाख दिए जो जला रहे हैं, आप कभी 10 लाख कभी 7 लाख, गिनीज बुक में रिकॉर्ड बना रहे हैं आप। रिकॉर्ड बनाते बेरोजगारी खत्म करने का, रिकॉर्ड बनाते आप महंगाई कम करने का, रिकॉर्ड बनाते आप अच्छी चिकित्सा का, शिक्षा का, वो रिकॉर्ड बनाते तो अच्छा लगता हमको। ये गरीब उत्तर प्रदेश है जिसको आप कहते हो बीमारू राज से बाहर निकाल दिया, जो झूठ बोलते हो आप रोजाना, वो अगर काम करते आप कि नंबर एक कर देते उसमें, रोजगारी में नंबर एक कर देते इसको, इसको लोगों के जीवन को सरल बनाने में, महंगाई को कम करने में कर देते। आपने क्या किया, एक जले पर नमक और छिड़का। इस बार 28 सितंबर से 28 बार पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, 50 रुपए बढ़ा के आप 5 रुपए घटाते हो। आप कहते हमने बहुत कुछ कर दिया, हंसी भी आती है इस पर, रोना भी आता है। ये सरकार बार बार चिढ़ा रही है, आपने में आपने कोरोना में जितने कोरोना में मृत हुए हैं लोग उनके परिवारों को चिढ़ा रहे हैं आप। कितने घरों में दिवाली जल मन रही है बताइए आप, हेमंत जी ने ठीक करा, कितने घर में दिए जल रहे हैं, कितने घर में रोशनी है, भूखों मर रहे हैं लोग, किसी के घर में खाना हो अथवा ना हो, लेकिन इनको दिए चाहिए, इनको एक उसको उत्सव बनाना, एक एक इलेक्शन का स्टंट बनाना है उसको, और इधर राम का स्टंट बनाना है पूरा, और उधर फिर उधर करना है अब्बाजान, जिन्ना जिंदाबाद की जगह जिन्नाबाद करना है इनको। करिए आप, जितना आप करेंगे लोग भी देख रहे हैं, आपका नैरेटिव चलेगा नहीं कोई आपके। आप वहां से हिमाचल प्रदेश से डर के आपने पेट्रोलियम के प्राइस कम करे यहां पे, और चिढ़ा रहे हैं फिर आप इसको, ये एक्साइज ड्यूटी आप कम करने की बात कर रहे हैं। जब पेट्रोल के प्राइसेस कम थे मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, तब क्यों नहीं घटाए आपने, तब भी उतने ही रखे, आज बढ़ रहे हैं आप कह रहे हैं बढ़ रहे हैं हमने घटा दिए, क्या मजाक समझा इन्होंने। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए सोचते हैं कि हम लोग बहुत चतुराई खेल रहे हैं, चालाकी खेल रहे हैं। लोग आपके छल धूर्तता चालाकी को समझ गए लोग, अब लोग मूर्ख नहीं बनेंगे आपसे, और वही मजा चखाएंगे जो आपको वहां हिमाचल में चखाया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि महंगाई की वजह से, और महंगाई खाली तेल की नहीं है, महंगाई हर वस्तु की है। आटा ले लीजिए, चीनी ले लीजिए आप, दालें ले लीजिए आप, सब्जी ले लीजिए, भाई ठीक है तेल महंगा, आप तो खाते नहीं तेल, आप तो मशरूम खाते हो, तो आपको तो छोटा सा तेल लगता है, छोटा सा आपको मसाला लगता है, थोड़ा बहुत, आप तो मशरूम खाते हो, गरीब आदमी के लिए सब्जी छोड़ते हो आप, लेकिन सब्जी इतनी महंगी है और तेल भी नहीं है तो कैसे बनाए वो।
आलू भी नहीं बना सकता, आलू प्याज ही तो खाता गरीब आदमी, अब वो भी मुहैया नहीं है। प्याज 40 रुपए किलो है, टमाटर की बात ही नहीं करता मैं। एक गोभी का फूल ले लीजिए 50 रुपए किलो है, 50 रुपए का एक फूल है, आज ही मंगाया मैंने। कभी इतने दिन गोभी आते हुए हो गए, हिम्मत नहीं हो रही थी, नहीं मंगा लो दिवाली का त्योहार है, 50 रुपए का मिला एक फूल छोटा सा, खाइए आप क्या खाएंगे। ये स्थिति पैदा कर दी है आपने, और आप उत्सव मना रहे हैं, दिए जला रहे हैं आप, मृत आत्माओं को चिढ़ा रहे हैं आप। राम जो जिस जिस जिसमें कुसुम कली की बात कर रहा हूं, जो सबरी है, जो दलित पिछड़ी वर्ग की है, उस सबरी को अगर सबरी दुखी रहेगी, भूखी रहेगी, तो राम अयोध्या में दीप जलाने से प्रसन्न होंगे क्या? जवाब दीजिए, कोई जवाब है योगी सरकार के पास? जवाब दीजिए योगी जी। चलिए हम तो ठीक है, आपकी आलोचना करते हैं, हम तो नकारात्मक एनर्जी के, पॉजिटिव वालों से बुलवाइए ना आप, जिनके पास सकारात्मक सोच है, वो पॉजिटिव मीडिया पूरा वहां पहुंचा हुआ है अयोध्या में, जो मोदी परस्त गोदी मीडिया पहुंचा हुआ है वहां पे, और वहां के सत्येंद्र दास ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखा होगा अपने चित्रा त्रिपाठी जी ने जो सवाल पूछा उनसे कि यहां से योगी जी लड़े तो क्या होगा, अच्छा रहेगा ना, उसने कहा योगी जी कह दीजिए यहां से न लड़े चुनाव, कहीं गोरखपुर में जगह ढूंढ लें, उनके खिलाफ वातावरण अच्छा नहीं है, लोग उनके कामों से खुश नहीं है, ये उस सत्येंद्र दास ने कहा है। लोग जानते नहीं है सत्येंद्र दास को, मैं जानता हूं उसको, मैंने 7,000 रुपये महीने की तनख्वाह की थी उसकी, मैं कमिश्नर था, 100 रुपये महीने के पाते थे वो, आज वो 13,000 रुपये पाते हैं महीने का। वो शास्त्री है, वो PhD है संस्कृत में, वो टीचर उसमें संस्कृत कॉलेज में पढ़ाते हैं वो, और उनके पिता वो वैरागी राम भक्त थे, जंगल जंगल घुमा करते थे राम को ढूंढते हुए, उन्हीं के पश्चिम चरणों पर चलकर सत्येंद्र दास ने, और सत्येंद्र दास ने बड़ी साफ बात कही है, भाई मुझे सिंघल और कटियार जैसे लोगों ने बना दिया, मुझे कहाँ है कटियार, आज देखिए आप सिंघल तो चले गए, OBC हैं उनको नेपथ्य में धकेल दिया गया कटियार को, और सत्येंद्र दास उनमें से है जो मुख्य पुजारी है, जो ना संघ की सुनता है ना BHP की, उनका टट्टू नहीं है वो, वो कहता खुद भी मैं किसी का टट्टू नहीं हूं, वो मुख्य पुजारी कोर्ट के आदेश से है आज भी नियुक्त। आपने ट्रस्ट बना लिया, रामलला बन जाएंगे आपके, मंदिर बनेगा, अब हटा दीजिए सत्येंद्र दास को, तो कह चुके हैं मुझे हटा दीजिए आप, मुझे हटा देंगे लेकिन मेरी सेवा को नहीं हटा पाएंगे आप। ये 1992 में मस्जिद गिरी थी तो रामलला की मूर्तियों को सीने से लगा के छुपा के घूमा था वो, कि ये ना दफन हो जाए इससे अंदर, वो राम का भक्त है, वो कहता मैं राम की सेवा के लिए हूं यहां, मुझे पैसा नहीं चाहिए किसी से। ऐसा व्यक्ति जब बोलता है कि अयोध्या ना है योगी जी, संदेश बहुत बड़ा है, शायद इनको समझ नहीं आ रहा, फिर भी आके भाषणबाजी कर रहे हैं वहां पे कि राम और ये राम की नगरी। अरे राम दयालु है, कृपा निधान है, गरीब का हृदय दुखेगा, गरीब के उसे लाशें उठेंगी, भूखे मरेंगे, और फिर भ्रष्टाचार का मंदिर। छोटी हनुमानगढ़ी के बाबा ने जो कहा, जब मैंने उनसे बात किया था, उन्होंने कहा बचुआ भ्रष्टाचार के मंदिर में राम नहीं भरा जाता, राम भरे विराजेंगे उस मंदिर में जिसमें आप ढोंग कर रहे हैं, जिसमें आप रियल एस्टेट का व्यवसाय कर रहे हैं उसके नाम पर, चंदाखोरी आपने की है, चंदा का हिसाब दीजिए। सत्येंद्र दास ने कहा 15,000 करोड़ के चंदा का हिसाब दीजिए, और जो आपकी 5 मिनट के अंदर 2,18,5 करोड़ कैसे हो गया जमीन, उसकी जांच होनी चाहिए। ये सत्येंद्र दास ने कहा है, मुख्य पुजारी ने कराई आप में हिम्मत है जांच तो, या उनको बाहर निकालिए, पुजारी को बंद करिए रासुका में, बुलडोजर गिराइए उसका मकान बुलडोजर से। सरकार को लज्जा नहीं आती है, इसको शर्म नहीं आती है सरकार को, इसलिए हम इसको बार बार लज्जित करते हैं सरकार को। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर।